जलालाबाद सिविल अस्पताल में नर्सों का वार्ड बॉय पर तशद्दुद। कवरेज के लिए जाने वाले सहाफियों को भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारना शुरू कर दिया। चार मीडिया वर्कर जख्मी। 24 न्यूज के रिपोर्टर कमर इरशाद का सर फट गया। पुलिस की भारी नफरी तलब। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड जफदर की फिर पेशी। शरीफ खानदान के खिलाफ तीनों नैब रेफरेंसेस पर समाप्त। गवाह सुनील एजाज और अब्दुल हनान के बयानात रिकॉर्ड। वाजिद जिया का बयान तीनों रेफरेंसेस में एक ही रोज रिकॉर्ड करने के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त दायर। सेनेट इलेक्शन के लिए सात डाके कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 52 नशस्तों के लिए 135 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। अरकान के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी। वोट की राजदारी को यकीनी बनाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज पंजाब के पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुला लिया। की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी सदारत करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पतंग किसकी, एमकेएम का कन्वीनियर कौन। इलेक्शन कमीशन में समाप्त मुतहिदा रहनुमाओं और कारकुनों के इलेक्शन कमीशन के गेट पर रोक दिया गया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया कन्वेंशन में शिरकत से इनकार। दोनों धड़ों को एक ही कन्वेंशन कराने का मशवरा। कप्तान नून लीग की एक और विकेट गिराने को तैयार। रुकने कौमी असेंबली निसार जट के तहरीक इंसाफ से मामला तय। आज शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीआईए की निजकारी के खिलाफ बिलावल जरदारी डट गए। हर प्लेटफॉर्म पर मुजाहमत करने का ऐलान। कहा कभी भी पीआईए की निजकारी नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्यूज लीग से मुतालिक अपील खारिज कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अरबी की अपील दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की गई। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने ख़ारजा पॉलिसी में नकायस तस्लीम कर लिए। कहा माजी में पाकिस्तान का झुकाव अमरीका और मगरबी ममालिक की तरफ रहा। हमने ख़ारजा पॉलिसी में तवाज़ुन खत्म करने की कोशिश की। शाम के जंगदा इलाके गौता से पाकिस्तानी बुजुर्ग शहरी और अहलिया को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दमिश्क मुंतकिल 73 साल फजल अकरम और सुगना बीबी का कहना है बेटे और बेटी समेत खानदान के 17 अफराद अभी तक जंगजदा इलाके में हैं। तर्जुमान दफ्तरी खारजा का कहना है शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आलमी इदारों से भी राबिता है। हैदराबाद में होली पर तबाही का मंसूबा नाकाम। मुटियारी में कानून आफिस करने वाले इदारे का छापा। 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। रहीम यार खान के करीब रेलवे ट्रैक बहाल होने के बावजूद ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। कराची एक्सप्रेस लेट होने पर मुसाफिर परेशान। मुल्क के कई शहरों में रिमझिम। इस्लामाबाद, मियांवाली, नारोवाल, खुशाम, ननकाना में बारिश। दीरबाला, बेडाबाद और मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी।
यूरोप में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज, हादसात में हलाकतों की तादाद 55 हो गई, ट्रेन सर्विस बंद, सैकड़ों परवाजें मंसूख, बरतानवी हुकूमत ने हाईवेज में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज तलब कर ली। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गैर मुल्की फौज के काफिले के करीब खुदकुश धमाका, 4 शहरी जख्मी, फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। PSL 3 में सनसनीखेज मुकाबले जारी, मुल्तान सुल्तान आज कराची किंग्स पर झपटने को तैयार। मुल्तान सुल्तान के चाहने वालों को मैच का शिद्दत से इंतजार, जामे पेशावर के तलबा ने मुल्तान सुल्तान को फेवरेट करार दे दिया, मुल्तान के सुल्तान सुहेल तनवीर भी जीत के लिए पुराजू। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है, उदास जस्मों को खूबसूरत एहसास में ढालने वाले शायर नासिर काजमी को बिछड़े 46 बरस बीत गए। के इलाके ही जोंग में लाल टैनों का त्यौहार शुरू, फनकारों का मछली और ड्रैगन डांस। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ, देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला श्री इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कॉम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीबुर्रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीबुर्रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों वीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं, जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम है। 24 न्यूज बाखबर 24 घंटे। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं रुकमा इरफान मलिक, मैं हूं हैदराबाद और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि सहाफत जुर्म बन गया, फैसलाबाद में आजादी सहाफत पर हमला किया गया है। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में बदतमीजी करने पर नर्सों ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया, मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने तशद्दुद करके 24 न्यूज के रिपोर्टर कमर इरशाद का सर भी फाड़ दिया, जबकि दीगर 4 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में काम बंद हो चुका है, मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि अस्पताल का ये अहाता मैदान
जंग का मंजर पेश कर रहा है और आज़ादी सहाफत पर एक बार फिर से हमला किया गया। मीडिया कवरेज के लिए जाने वाले मीडिया नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 24 न्यूज़ का रिपोर्टर भी शदीद जख्मी हुआ है, दीगर चार अफराद भी जख्मी हैं। ना सिर्फ रोका गया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और हमारे नुमाइंदों का सिर भी फाड़ दिया गया। सहाफत जुर्मन गया, फैसलाबाद में आजादी सहाफत पर हमला किया गया। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में बदतमीजी करने पर नर्सों ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। 24 न्यूज़ की नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। फरजाना, हम 24 न्यूज़ के रिपोर्टर का सर फाड़ा गया है, दीगर साहबियों को भी निशाना बनाया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। सिविल हॉस्पिटल में नर्स के साथ एक वार्ड बॉय ने बदतमीजी की थी, जिससे नर्सेज ने अपना इत्तेजाज शुरू कर दिया। जब मीडिया के नुमाइंदे उस इत्तेजाज को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे हैं तो सिविल हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से भी मीडिया के नुमाइंदों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद करने का ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह के दीगर वाकया सामने आते रहते हैं, लेकिन जो आज वाकया हुआ है ये वाकया फैसलाबाद की तरीके में बहुत ही बदतरीन है। सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो बाहर हो गए, ऐसे में हॉस्पिटल की इंतजामिया और जो पुलिस थी वो भी खामोश तमाशाई बन गई। सिक्योरिटी गार्ड ने मर्जी से उन पर तशद्दुद किया है और अपनी मर्जी से ही फिर उनको बाद में छोड़ा है। जब तशद्दुद का ये वाकया सामने आया है तो सारी सहाफी बरादरी जो है वो इकट्ठी हो गई है और सब खिलाफ चौक में एहतजाज किया जा रहा है। तमाम चैनल जितनी भी सहाफी बरादरी है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। हमारे रिपोर्टर कमर साहब ने जब इन वाकियात को फिल्म बंद करने की कोशिश की है, कैमरे में बंद करने की कोशिश की है, तो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस दौरान उनका सर भी फट गया है, जिसकी हालत अब खतरे से तो बाहर है, लेकिन इस वक्त भी वो ड्यूटी पर हमारे साथ मौजूद है। हम सहाफत की आज़ादी के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं, लोगों को सर दिखाते रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस मौके पर जो पुलिस के आला अफसरान ने किसी ने भी सहाफियों से जो है वो रब्ता करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ जो चल अहलकार है वो यहाँ पे मौजूद है और वो भी खड़े होकर ऐसे देखे हैं जैसे यहाँ पे कोई तमाशा लगाया गया हो। अभी तक अफसराने वाला में से किसी ने भी सहाफियों के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की, बात रखी देने की कोशिश नहीं की। जी फरजाना, बताएगा कि अस्पताल इंतजामिया, MS और दीगर अमला कहाँ है जब नर्सों ने वार्ड बॉय के साथ मारपीट की या फिर सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, उस वक्त अस्पताल इंतजामिया कहाँ थी? उस वक्त हॉस्पिटल की इंतजामिया तो अस्पताल के अंदर थी, लेकिन जब भी ऐसे वाकयात सामने आते हैं तो हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, उनके दफातर के जो दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम मीडिया के कैमरे के सामने आए, अपनी दुकान चमकाएं और बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात हम पे आती है, जब हम तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उनके दफातर के दरवाजे हम पे बंद हो जाते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, सिविल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हमारे नुमाइंदों को, हमारे रिपोर्टर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और वो आराम से अपना दफ्तर बंद करके अंदर बैठे रहे। इस वक्त भी हॉस्पिटल की इंतजामिया अस्पताल के अंदर मौजूद है और यकीनन अपनी स्क्रीन पर, अपनी टीवी की स्क्रीन पर वो मनाजर देख रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी कॉल करने की जहमत दोबारा नहीं की, किसी ने भी चल कर यहाँ पे आने की जहमत दोबारा नहीं की कि जितनी भी सहाफी बरादरी है उनके साथ जो है वो मुठभेड़ हुआ जा सके, उनकी दाद रखी की जाए, वो सिर्फ खामोश तमाशे ही बने हुए हैं। ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, जब फिर थोड़े से रूटीन नॉर्मल होगी, हालात कम होते आएंगे, फिर हमें कॉल की जाएंगी कि ये एहतजाज हो रहा है। फरजाना, हमारे साथ रहिएगा, हाल पे नजर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में आखिरी वाकया कैसे पेश आया, वजह तनाजा क्या बनी, ये मामला क्या है आपको बताते हैं। नर्सों ने वार्ड बॉय को कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया, फुटेज में सब कुछ वाजे तौर पर देखा जा सकता है। ये मनाजर आप देख सकते हैं सारे मामले की, नर्सों ने वार्ड बॉय पर तशद्दुद किया और ये मामला यहीं से शुरू हुआ, नर्सों ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ पर, नर्सें वार्ड बॉय को पीट रही हैं और इल्ज़ाम ये है कि इस वार्ड बॉय ने बदतमीजी की है नर्सों के साथ। ये मनाजर आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, इस अस्पताल के मनाजर हैं जहाँ ये तमाम दर्द सूरत हाल पेश आई है। जब मीडिया इस मामले की कवरेज के लिए गया तो सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे कमर इरशाद का सर फाड़ दिया गया है, मीडिया को डराने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या है। फरजाना, इस वक्त फुटेज हमारे पास है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से नर्सें तशद्दुद का निशाना बना रही हैं इस वार्ड बॉय को। अगर इसने बदतमीजी की थी फरजाना तो अस्पताल इंतजामिया को शिकायत क्यों नहीं लगाई गई नर्सों की जानिब से, नर्सों ने खुद मारपीट क्यों शुरू की?
अच्छा ये इससे भी मैं आपको बता दी चलूँ कि हॉस्पिटल के अंदर नर्सिस के साथ बदतमीजी का भी ये कोई वाकया पहले नहीं है। पहले भी इस तरह के हॉस्पिटल के अंदर वाकया सामने आते रहते हैं जहाँ पे नर्सिस के साथ बदतमीजी की जाती है, कभी डॉक्टर्स की जानब से और अब तो वार्ड बॉय की जानब से बदतमीजी का ये वाकया सामने आया है। नर्सिस का ये कहना है कि उन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया को शिकायत लगाई थी, नहीं उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। उस पर सारी जो नर्सिस हैं इकट्ठी हुई है जो उनको लीड कर रही थी, उन्होंने ये फैसला किया कि जो वार्ड बॉय है उसको सदस्य का निशाना बनाया जाए। ना सिर्फ वार्ड बॉय को सदस्य का निशाना बनाया है बल्कि जो है उसके साथ नारेबाजी भी की है और पूरे हॉस्पिटल का जो काम है वो इस वक्त बंद हो चुका है। वहीं पे जो मरीज है वो भी मुश्किलात का शिकार, खासतौर पर जो दूर दराज से आने वाले मरीज है उनको भी मुश्किलात का सामना है। वहीं पर जब यही चीजें यही सच्चाई हमने अपनी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है तो हमें भी ऐसे ही बकरीद सदस्य का निशाना बनाया गया। उन्होंने हरगिज इस बात को नहीं देखा, इस बात का एक टैग पे रख दिया गया कि मीडिया के ये नुमाइंदे हमारे लिए आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, सच को दिखाने के लिए आए हैं। इन सारी बात को उन्होंने एक टैग पे रखते हुए मीडिया के नुमाइंदे को भी प्रसन्न किया और हमारे रिपोर्टर का भी सर फाड़ दिया। हमारे रिपोर्टर का मैं आज इस वक्त भी ड्यूटी पर है, हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्री की जानब से उनको टीबी हम दातों दी जा चुकी है लेकिन अभी भी वो इस वक्त सड़क पे हमारे साथ मौजूद है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तमाम साहब की बरादरी का यही कहना है कि इस बार मामला सुलह पर खत्म नहीं होगा, जो जिम्मेदारान है उनको सजा देंगे और उनको सजा देनी ही होगी, तभी हम साहब की बरादरी का जो मोराल है वो ऊंचा हो सकेगा और हम पहले की तरह अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, हम लोगों का सच दिखाने के लिए हर हद तक जाते हैं। आज हमारी बारी है तो हम भी अपना हक लेके रहेंगे। फरजाना ये बताइएगा, फरदाना से बात करेंगे, ब्यूरो चीफ जफर डोगर ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब ये बताइएगा कि लड़ाई झगड़ा तो वार्ड बॉय और नर्सिस के बीच में हुआ, सहाफियों पर तशद्दुद क्यों किया गया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सहाफियों के खिलाफ ही पेश आया। बुनियादी तौर पर तो नर्सों और वार्ड बॉय का झगड़ा था, एक नर्स के साथ रात बदतमीजी की गई एक वार्ड बॉय के साथ और उसकी हमायत में आज नर्सों ने एहतजाज किया और एमएस के कहने के मुताबिक नर्सों का ये कहना है कि उस वार्ड बॉय को हमारे हवाले किया जाए, हमने उसको खुद मारना है। दूसरी तरफ तमाम वार्ड बॉयज और लोअर स्टाफ उसकी वार्ड बॉय की हमायत में आ गया और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। नर्सों ने इमरजेंसी में बंद कर दिया काम और उन्होंने ओपीडी में काम बंद कर दिया। इस वक्त सिविल अस्पताल में उन्होंने मदद के लिए और कवरेज के लिए बनाया, तो सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बना दिया गया और बहुत से सहाफी जख्मी हुए। हमारे अपने भी एक रिपोर्टर अमर अभिषाद बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, उनका सर फट गया, लहू उनके सर से काफी बहा और वो भी इस वक्त मुजाहरे में मौजूद है। इस वक्त चिनाब क्लब चौक में पूरा मीडिया जमा हुआ है और इस वाकये के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहा है और जहां तक सिविल हॉस्पिटल का ताल्लुक है तो वहां काम हर तरह का काम बंद है, मरीज पार हो रहे हैं, इमरजेंसी भी बंद है, ओपीडी भी बंद है, किसी किस्म का कोई सूरत हाल जो है वो इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आ रही है। सवाल तो यही है कि जो भी लड़ाई झगड़ा या मामला थे वो अस्पताल के अपने लोगों के थे, यानी नर्सेज और वार्ड बॉयज के मामला थे, सहाफी तो कवरेज के लिए गए थे, वो तो किसी की भी पार्टी नहीं है, सहाफी तो अपना काम करने गए, उन्हें तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? जी बिल्कुल, यही सवाल है, यही वो अदम बर्दाश्त है जो बेसिकली ये हकायक छुपाने की एक कोशिश थी कि किसी तरीके से मामला बाहर ना जा सके, इसी वजह से उनको जद्दत का निशाना बनाया गया। वो तो अपने फ्राइज मनसबी की अंजामदही के लिए गए हुए थे और उन्हें जद्दत का निशाना बनाया गया। कई सहाफी जख्मी हुए, सबसे ज्यादा हमारे अपने रिपोर्टर अमर अजाज जख्मी हुए जिनका सर फटा और नर्सें भी इस वक्त खौफजदा नजर आ रही हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और नर्सें भी एहतजाज कर रही हैं, वार्ड बॉयज अलग से इशार अंगेजी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मीडिया अस्पताल के अंदर नहीं, बाहर सड़क पे आके बाहर सड़क पे मीडिया के नुमाइंदे खड़े हैं। जफर आपने बताया कि पुलिस आई है, तो क्या पुलिस को अब होश आया है जब मामला इस कदर बिगड़ गए, मारपीट की गई सहाफियों के, देख कपड़े फाड़े गए हैं, उन्हें जख्मी किया गया है, तो क्या अब पुलिस को याद आया? पुलिस का तो ये और ज्यादा खौफनाक बात है, इस हवाले से अफसोसनाक बात है कि पुलिस तो खामोश तमाशा ही बनी हुई है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही और नर्सें खौफ का शिकार है, मुजाहरा करने के बावजूद वो एक जगह चुप के एक जगह साइड पे होकर मुजाहरा कर रही है, पुलिस खामोशी से तमाशा ही बनी हुई है। हमारे साथ ही रीगा जफर डोगर हमें ज्वाइन किया है, सदर PFUJ राणा अजीम साहब ने, बहुत शुक्रिया राणा अजीम साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप फैसलाबाद में आज जो अस्पताल में वाकया पेश आया है, लड़ाई तो वार्ड बॉयज और नर्सिस की थी, सहाफी तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने गए लेकिन उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया?
जी बिल्कुल, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पूरे वाक्य के पीछे एक साजिश है, और ये साजिश किसकी है? उन लोगों की है जो फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान की आजाद सहाफत नहीं देखना चाहते। इन लोगों ने जिन्होंने आज सहाफियों पर हमला किया है, इनके पीछे कोई ना कोई तो मौजूद था, किसी ना किसी ने उन्हें आशीर्वाद दी थी कि जाओ सहाफियों का तशद्दुद का निशाना बनाओ, ताकि ये सच बोलना, सच दिखाना, सच को सामने लाना छोड़ दें। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस वक्त चेरिंग का चौक में सैकड़ों की तादाद में सहाफी मौजूद है, जो अपने फैसलाबाद के सहाफियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और कुछ देर में हम इस मुजाहरे को लेकर पंजाब असम्बली की तरफ भी जाएंगे, और पंजाब असम्बली के जाकर हम सभी एहतजाज करेंगे, और उसके बाद इस तलम के खिलाफ कल हम आपको नजर आएगा, कल जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं तो उनके आगे भी अपनी तहफ तय कर जाएंगे कि हमें इंसाफ दे, क्यों सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, पुलिस क्यों हमोश तमाशाई बनती है, क्या वजीरे कानून का शहर हो और वहां पर कानून जो है वो अंधा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई है, और पीछे कौन है वो सब जानते हैं, जिसके पीछे वही कूदते हैं जो पाकिस्तान में आजादी सहाफत को पलता बुलता नहीं देखना चाहती। 24 का कसूर क्या है? ये सच दिखाता है, सच को सामने लाता है, सच की बात करता है। और आज जो 24 न्यूज समेत बाकी दीगर हमारे साथियों के खिलाफ जो कुछ हुआ है, जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, कैमरे तोड़े गए, मारा पीटा गया, ये सब एक साजिश है जिसकी मुसम्मत करते हैं। और पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन जर्नलिस्ट सिर्फ 12 घंटे की इनको बोला देती है, अगर 12 घंटों में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हुआ तो फिर हम मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाक्य बढ़ते जा रहे हैं, और इसके पीछे सियासी कुवतें भी है, इसके पीछे वो कुवतें भी है जो पाकिस्तान के अंदर हक और सच को नहीं चाहती। ताराजीम साहब, क्या समझते हैं आप? मीडिया तो सब लोगों के हुकूक के लिए तगोदो करता है, कोशिश करता है, सहाफी मारे खाते हैं जुर्म सितम की निशानदही करने के लिए, लेकिन जब मीडिया वालों के साथ ज्यादती होती है उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये बिल्कुल इसी तरह आप दुरुस्त कह रही हैं कि मीडिया सबके आवाज बनता है, लेकिन अब कुछ कुवतें हैं जो मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है, वो खुद सामने नहीं आती, मगर किसी ना किसी को सामने लाकर ये सब एक काम करने की कोशिश करते हैं। वो जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं, और हम सब मिलकर उनको ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि उनके खिलाफ सच लिखना लिखते रहेंगे, उनके करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। एक तशद्दुद, दो तशद्दुद, तीन तशद्दुद, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है ये तशद्दुद के खात्मे के लिए होगा, और इंशाल्लाह सहाफियों को तहफ्फुज़ भी मिलेगा और ज़ालिमों को सजा भी मिलेगी। राना अजीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, उनसे जानते हैं कि आज हुआ क्या है। जफर डोगर साहब, आपने राना अजीम साहब की गुफ्तगू तो सुनी, क्या कहिएगा जिस तरह से कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? मैं फिर एक बार से ही कहूंगी कि मीडिया तो इन्हीं की आवाज उठाने के लिए अस्पताल के बाहर पहुंचा, आखिर ऐसा वहां क्या था जो कि मीडिया से छुपाना चाहते थे, और सहाफियों के वहां मौजूद होने पर इतना बुरा लगा कि सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना दिया? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है, और ये बिल्कुल हकीकत है कि सहाफियों को किस तरीके से बर्दाश्त जो है वो बाहर बर्दाश्त के मामला बाहर होते जा रहे हैं, मीडिया को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जो मामला मुझे नजर आया, जो मैं मौके पे जाके देख रहा था, इसमें नर्सों का जो इंतजाज था बुनियादी तौर पर उसकी कवरेज से रोकना मकसूद था। ये जो लोग भी ये कवरेज नहीं होने देना चाहते ताकि ये पता ना चल सके कि यहाँ हुआ क्या है, ये उन लोगों का वो कसूर नजर आते हैं। और वार्ड बॉयज और लोअर स्टाफ ने जिस तरीके से उनको नर्सों को हरासा किया और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, और फिर सिक्योरिटी स्टाफ आ गया सहाफियों पर तशद्दुद करने के लिए, तो ये जो मामला था बुनियादी तौर पर अस्पताल के अंदर का मामला था, नर्सों का और वार्ड बॉयज का तनाजा था, जिसमें सहाफी सिर्फ कवरेज करने गए थे, जिनको खुद नर्सों ने बुलाया हुआ था, उन पर तशद्दुद किया गया, और जबरदस्त भरपूर किस्म का तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज है फैसलाबाद के सहाफी, और वो बहुत पूरा जो चनाब तरफ चौक बहुत बड़ा चौक है, इस वक्त चारों तरफ इससे इसको ब्लॉक किया हुआ है, मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम सहाफी जमा हैं और इस वाक्य के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे फैसलाबाद में भी आए रोज सहाफियों पर तशद्दुद के वाकया आए रोज सहाफियों पर तशद्दुद किया जाता है। जफर डोगर, ये बताइएगा, जैसे कि कमर इरशाद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फरजाना सिद्दीक भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना है इनका? जिन लोगों ने तशद्दुद किया वो वार्ड बॉयज हैं? जफर, आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि क्या कहना है यहाँ पर मौजूद सहाफियों का, कि जिन लोगों ने इन पर तशद्दुद किया है क्या वो वार्ड बॉयज हैं या वो अस्पताल के गार्ड्स हैं, हैं कौन?
जफर डोगर से रابطہ करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सिविल अस्पताल के गार्ड्स ने सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये मामला शुरू हुआ जब नर्सेस और वार्ड बॉयज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। नर्सेस का इल्ज़ाम ये था कि वार्ड बॉयज़ ने उनसे बदतमीजी की है। जब मीडिया वहां पर कवरेज के लिए पहुंचा नर्सों के एहतजाज को कवर करने के लिए, तो मीडिया के नुमाइंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ है। जफर बताइएगा, यहां पर 24 के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, यहां पर दीगर चैनल्स के सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जिन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है वो गार्ड्स हैं या वार्ड बॉयज़ हैं? जी, उनको इस अंदाज से मारा गया और इतने ज्यादा लोग वहां जमा थे कि किसी को पता नहीं चल रहा। गार्ड भी थे और वार्ड बॉयज भी थे और बहुत ज्यादा एक बहुत हजूम था जो मार रहा था, बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। ऐसी सूरत हाल में ये पता ही नहीं चल रहा था ये सारे गार्ड्स हैं या इनमें वर्दियों वाले भी थे, बगैर वर्दी लोग। गार्ड्स ने भी मारा और वार्ड बॉयज ने भी मारा और बहुत बुरी तरह पीटा उनको। यूँ लग रहा था ये सहाफी नहीं है, ये कलम और कैमरे वाले नहीं है, ये शायद कोई दूसरे मुल्क से ये कुछ जंगजू हैं जो हमला करने आए हो। हालांकि वो फ़राइज़ मंसूबी की अंजामदही के लिए गए थे और वो जो खुद नर्सों ने उनको बुलाया था कि हमारा ये प्रोटेस्ट है, इसको कवर करें, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उस कवरेज से रोकने के लिए उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बहुत बुरी तरह मारा, हमारे अपने कैमरा अपने रिपोर्टर का सर फट गया और दूसरे सहाफ़ी भी जख्मी हुए। इस वक्त तमाम सहाफ़ी सरापे एहतजाज हैं और बहुत बड़ा मुजाहरा है जर्नलिस्टों का और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और MS की बरतरफी का भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो हालात को मैनेज करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। एक और पहलू मैं जो समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है उस तरफ तवज्जो दिलाना कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में हर तरह का काम रुका हुआ है, मरीज पार हो रहे हैं, किसी को तिबी इमदाद नहीं मिल रही, ऑपरेशन नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, इमरजेंसी बंद है, OPD बंद है और कोई यहाँ किसी किस्म की कोई मदद के लिए कोई इंक्वायरी के लिए नहीं पहुँचा। एक जैसे ACCD और MS अपने कमरे में बंद बैठे तो मामला का जायजा ले रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन सूरत हाल को खत्म करने के लिए, मामले को हल करने के लिए और फौरी इमदाद के लिए और ऑपरेशन को बहाल करने के लिए कि अस्पताल में काम शुरू हो सके, किसी सतह पर किसी किस्म के कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। जी, MS की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो अभी तक अपने कमरे में बंद हैं। बहुत शुक्रिया जफर डोगर, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट में बलदेव कुमार केस की समाप्त करने वाले दो रुकनी बेंच का कहना है कि बलदेव कुमार को हल्फ उठाने ना दिया गया तो अदालत सेनेट इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई भी जारी कर सकती है। अजमत अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है इस दो रुकनी बेंच का? जी बिल्कुल, दो दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बलदेव कुमार से हल्फ ना लेने का जो मामला था वो पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गया है और पिशावर हाई कोर्ट की एक दो रुकनी बेंच पे जिसमें जस्टिस इकरामुल्ला खान और जस्टिस अयूब खान थे, उन्होंने जो बलदेव कुमार केस की हाई कोर्ट में समाप्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि कल सेनेट का इलेक्शन है और बलदेव कुमार से अभी तक हलफ नहीं लिया गया है। दरख्वास्त गुजारने जो थी परसों जो अदालत में जमा कराई थी अपील, उसने कहा कि हमने स्पीकर से हल्फ लेने का हुक्म दिया था और प्रोडक्शन आर्डर जो थे वो जारी करने का नहीं कहा था, ये कहना था जस्टिस इकरामुल्ला खान का। साथ साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर स्पीकर इनसे हल्फ नहीं लेते तो हम सेनेट इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर जारी कर देंगे और साथ साथ में उन्होंने AG साहब से हिदायत भी की कि आप बात करें, अगर आज हल्फ नहीं लेते तो हम कल जो है इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर देते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अली शाह आपका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कोरम पूरा ना होने की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। बलदेव कुमार आज भी हल्फ नहीं उठा सकेंगे। अपडेट आपको करें कि इजलास कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मजीद जानेंगे अनिला शाहीन से। अनिला शाहीन, आगाह कीजिएगा, इजलास शुरू नहीं हो सका, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज एक बार फिर बलदीप कुमार की हल्फ बर्दारी के हवाले से जैसे ही इजाफी एजेंट का तकसीम किया गया मेंबरान ने एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का कहना था कि वो बलदीप कुमार को हल्फ उठाने नहीं देंगे और जैसे ही उन्हें असेंबली लाया जाएगा वो कोरम की निशानदेही करके वॉकआउट कर देंगे। बलदीप कुमार का इंतजार किया गया, स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर के जरिए आज उसको एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया था लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद अपोजिशन मेंबरान और हुकूमती अराकीन ने वॉकआउट करते हुए
ہوئے بلدیپ کمار کو ہیلپ نہیں لینے دیا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ دو تین دنوں سے مسلسل بلدیپ کمار کو پروڈکشن آرے پر خیبر پختونخوا اسمبلی لایا جا رہا ہے, لیکن اپوزیشن کوئی ان کی نشاندہی کر کے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیتے ہیں. آج ایک بار پھر اسمبلی سے احتجاجاً تمام ممبران نے واک آؤٹ کیا, جس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بہت شکریہ انیلا شاہین ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج یہ صورتحال دیکھنے میں آئی, کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بلدیپ کمار کو لایا گیا تو ایوان سے واک آؤٹ کریں گے, ایسا کہنا ہے اپوزیشن رہنماؤں کا. اور بلدیپ کمار آج بھی اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر حلف نہیں اٹھا سکیں گے. سردار سورن سنگھ کا قاتل کس طرح اسمبلی آ سکتا ہے, ایسا کہنا ہے محمود خان کا. اور یہ بھی کہنا ہے سردار اورنگزیب کا کہ بلدیپ کمار کو لایا گیا تو ایوان سے واک آؤٹ کر دیں گے. بلدیپ کمار آج بھی حلف نہیں اٹھا سکیں گے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تیار ہے پورا پاکستان, سجنے والا ہے میدان, کون اڑائے گا وکٹوں کو, کون لائے گا چوکے چھکوں کا طوفان, فیورٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک ساتھ. دیکھیے پی ایس ایل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کرکٹ کے سلطان, صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر. دیکھیے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام 5 بجے صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. کیوں نکالا مجھے, کیوں نکالا؟ شریف اس لیے آپ کو نکالا کہ آپ نے اس قوم کا 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہوں. میرے عزیز ہمدردوں السلام علیکم. دیکھیے پروگرام میرے عزیز ہمدردوں پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف, آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام, عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر. سیاست میں ہر طرف شور. شریف اور مریم نواز اسلام آباد کی مقامی بیکری پہنچ گئے. نواز شریف اور مریم نواز کی گاہکوں اور دکانداروں سے گپ شپ بھی ہوئی. دکاندار نے مریم نواز سے کہا کہ آپ کی والدہ بھی ہماری بیکری میں آ چکی ہیں. بیکری میں موجود افراد کی نواز شریف سے سیاسی گفتگو بھی جاری رہی. نواز شریف کو سی پیک کی سزا دی جا رہی ہے, یہ کہنا تھا وہاں پر موجود ایک گاہک کا. سی پیک امریکہ کو کھٹک رہا ہے. پہلے بھی نواز شریف کو سزا دینے کی کوشش کی گئی, اس بارے میں جانتے ہیں 24 کے نمائندے بشیر چودھری سے. بشیر چودھری بتائیے گا, میاں نواز شریف اور مریم نواز مقامی بیکری میں لوگوں سے گھل مل گئے.
جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ راحیل منیر ہاؤس سے مری جانے کے لیے نکلے تھے، اچانک ایک مقامی بیکری پر جا پہنچے جہاں ان کو ایک تو دکاندار جو یہاں پر موجود تھے اس نے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے مریم نواز کو بتایا کہ ان کی والدہ بھی پہلے یہاں پر آ چکی ہیں جب سابق وزیر اعظم جیل میں تھے، اور اس کے بعد جو مقامی دکاندار کے ساتھ جو موجود گاہک تھے انہوں نے بھی نواز شریف اور مریم نواز سے گپ شپ کی، سیاسی گفتگو کی۔ اس دوران ایک گارڈ نے کہا کہ نواز شریف کو سی پیک کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ سی پیک جو ہے وہ امریکہ کو کھٹک رہا ہے۔ تو اس دوران دوسرا ایک گارڈ جو ہے وہ بولا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے بھی کئی جرائم کی سزا دی گئی ہے جس میں ایک موٹر وے اور ایٹم بم بھی شامل ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بیکری کے اندر ہوئی، تاہم نواز شریف پوری گفتگو کے دوران جو ہے وہ رسمی اسلام دعا کے علاوہ خاموش ہی رہے، تاہم مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے گاہکوں کا، دکاندار کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں یہاں پر آ کے اچھا لگا ہے، جس کے بعد نواز شریف مریم نواز اپنی سیکورٹی کے ساتھ مری روانہ ہو گئے۔ مری روانہ ہو گئے، بہت شکریہ بشیر چودھری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز پر سماعت جاری ہے، دو گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، مزید جانیں گے احتشام کیانی سے۔ احتشام آگاہ کیجیے گا آج کی کارروائی سے متعلق۔ جی دیکھیں، آج تین گواہان کو طلب کیا گیا تھا احتساب عدالت کی جانب سے، جن میں سے دو کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں، ایک پر جرا بھی ہو چکی ہے، دوسرے پر ابھی جرا جاری تھی، لیکن واجد ضیاء جب عدالت میں پہنچے تو عدالتی اس حوالے سے جو کارروائی چل رہی تھی اس کو روک لیا گیا، چونکہ نواز شریف کی جانب سے ایک درخواست عدالت میں دائر کی گئی تھی کہ واجد ضیاء کیونکہ تینوں ریفرنسز میں مشترکہ گواہ ہیں، اس لیے جو واجد ضیاء کا بیان ریکارڈ کیا جائے وہ ایک ہی دن تینوں ریفرنسز پر ریکارڈ کیا جائے۔ اس کی وجہ دلائل بھی دیے گئے خواجہ حارث کی جانب سے کہ اگر واجد ضیاء پر آج ہم جرا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے پتہ چل جائے گا، چیزیں جب ایکسپوز ہو جائیں گی تو ہمارا ڈیفنس کمزور ہو جائے گا، اس لیے واجد ضیاء کا بیان جو ہے وہ ایک ہی دن قلم بند کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر تینوں ریفرنسز میں ایک گواہ اگر کامن ہو تو اس کا جو بیان ہے وہ ایک ہی دن قلم بند کیا جائے۔ اس پر نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ مسلسل اس طرح کی درخواستیں دے کر کیس کو التوا کی جانب دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر دونوں اطراف سے دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اس کے بعد جو دوسرے گواہ تھے ان پر جرا کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اس وقت سماعت میں 2 بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے چونکہ نماز جمعہ کا وقت ہے، نماز جمعہ کے بعد کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ جو واجد ضیاء تھے پاناما جی آئی ٹی کے سربراہ اور اس کیس کے اہم گواہ بھی ہیں، ان کو آج طلب کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، لیکن ان درخواستوں کے بعد عدالت کی جانب سے واجد ضیاء کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور واجد ضیاء عدالت سے جا چکے ہیں اور اب سماعت میں 2 بجے تک کا وقفہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام کیانی آپ کا۔ عمران خان سپریم کورٹ میں جعلی دستاویزات جمع کراتے ہیں مگر ان کو ہفتوں کی مہلت دے دی جاتی ہے۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اپنی جعل سازی ختم نہیں ہو رہی، اپنے گھر کے بارے میں ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، عمران خان پیش نہیں ہوتے، دوسری طرف تین پیشیاں ہوتی ہیں۔ وہ احتساب کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ سپریم کورٹ کے اندر عمران صاحب جعلی دستاویز جمع کراتے ہیں اور ان کو ہفتوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کا جو درخواست خود سپریم کورٹ لے کے گئے اس میں اپنے گھر کا جو ہے اور اس پہ ٹویٹ نہیں کرتے، اس پہ بھی ٹویٹ کریں، ایک دن میں تین پیشیاں، ایک دن میں دو پیشیاں، ایک دن میں چھ ضمنی ریفرنس، مطلب یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کل سینٹ کے الیکشن میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ الیکشن سے اس کا سمبل ہٹا دیں، اس کا نام ہٹا دیں، کہ ہم نے ہی 2015 میں اس کو اس میں سے بھی نکالا تھا، جو کاوشیں تھیں، جو اسحاق ڈار صاحب تھے، آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہ کام کر رہے تھے اس کے بعد جو دہشت گردی کا جس جو 2013 سے ہی ایک جنگ شروع کی ہوئی تھی محمد نواز شریف نے اپنے ویژن کے مطابق، اور لیکن جس وقت ملک کا منتخب وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ مسائل ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو اس وقت آپ ان کو غدار قرار دیتے ہیں۔
اور دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا 24 نیوز سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ عدالت کے اندر اور باہر بارش ہو رہی ہے، ہمارے اوپر انصاف کی بارش ہو رہی ہے، جبکہ عمران خان خشک ایریا میں رہتے ہیں، عمران خان کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لاڈلے ہیں۔ کوئی اندر بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، کوئی باہر بھی ہو رہی ہوتی ہے، بارش کی بات نہیں تھی، میرے اکیلے بھیگنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ سب جو صبح صبح اچھے بال بنا کے آئے ہیں، اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے، ڈیزائنر سارا کچھ ہے، میں نے کہا آپ نہ بھیگ جائیں۔ اچھا ہم تو ویسے بھی بھیگے ہوئے ہیں، انصاف کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ عمران خان خشک ایریے میں کھڑا ہے، ہم گرے ایریے میں کھڑے ہیں۔ عمران خان کو رہنے دو، ایک بڑے گھر میں بےچارا دادے والد سے پانچ مرلے کے گھر میاں والی سے آ رہا ہے، اگر شوق پورا کر رہا ہے تو کر دیں گے، اس کو کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ ویسے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ لاڈلا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے، مزید جانیں گے زیشان بھٹی سے۔ زیشان، آگاہ کیجیے گا، ضابطہ اخلاق جاری کر دیا کیا ہے؟ کل جو سینٹ انتخابات کے لیے ملک بھر کی پولنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، پولنگ سٹیشنز پر بیلٹ پیپر ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے، ریجسٹرڈ ایم سی کے اہلکار پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے باہر تعینات ہوں گے، جبکہ جو بیلٹ پیپر کو پولنگ سٹیشن سے باہر لے کر جانے کی صورت میں بیلٹ پیپر منسوخ کر دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام ریٹرننگ افسران کو بااختیار مجسٹریٹ کے اختیارات سونپنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کرنے رہیے گا۔ ناظرین، کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں، ایم کیو ایم پاکستان کی کنوینئرشپ کیس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ زیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیشان آگاہ کیجیے گا، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کب تک سنایا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیے آج ایم کیو ایم کنوینئر شپ کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، گزشتہ روز بابر ستار جو فاروق ستار کے وکیل تھے انہوں نے دلائل مکمل کیے تھے، آج جو ہے بھادرا آباد گروپ کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں ان کے وکیل فروغ نسیم نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں، اور کل چونکہ سینٹ انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے فروغ نسیم نے استدعا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فی الحال جو ہے عارضی طور پہ کچھ فیصلہ سنائے، کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے کہ فاروق ستار دعویٰ کر رہے ہیں وہ پارٹی کنوینئر ہیں الیکشن کمیشن، لہٰذا جب تک یہ فیصلہ یہ کیس زیر التوا ہے الیکشن کمیشن میں تب تک یہ ڈکلیئر کریں کہ کوئی بھی پارٹی کنوینئر ابھی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا اور یہ کہا ہے کہ کیس کی سماعت تو 7 مارچ کو ہوگی، مگر ابھی جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ یہ سنایا جائے گا کہ فی الحال دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے بندہ فاروق ستار یا خالد مقبول صدیقی وہ اپنے آپ کو پارٹی کنوینئر ظاہر نہ کریں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا کہ یا تو دونوں کو منع الیکشن کمیشن کی جانب سے روک دیا جائے گا جب تک زیر کیس سماعت۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ بہت شکریہ زیشان علی آپ کا۔ ادھر ایک اور وکٹ گر گئی، تحریک انصاف آج نون لیگ کی ایک اور وکٹ گرائے گی، نثار جٹ کے پی ٹی آئی کے معاملات طے پر، نثار جٹ آج تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ایک اور وکٹ گر گئی، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی نثار جٹ کے پی ٹی آئی سے معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نثار جٹ آج عمران خان اور جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے۔ نثار جٹ ختم نبوت حلف نامے کے مسئلے پر نون لیگ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ نثار جٹ این اے 81 فیصل آباد سے نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ سندھ اسمبلی کی بات کریں تو سندھ میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ فنکشنل پی ایس پی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا۔ فنکشنل لیگ کے مظفر حسین شاہ کو 15 ووٹوں کی حمایت حاصل، جبکہ جنرل نشست کے لیے 23 ووٹ درکار ہیں۔ آپ کو بتا دے چلیں سندھ میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ فنکشنل پی ایس پی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا۔ آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ ہے، آزاد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایواز بالا کے کل انتخابات ہونے ہیں لیکن سندھ میں سیاسی صورت عجیب بنتی ہوئی جا رہی ہے، جو ہے ایم کیو ایم کی دھڑا بھری کے بعد میں جو دیگر اپوزیشن جماعت ہیں ان میں بھی اتفاق نہ ہو سکا، جس میں مسلم لیگ فنکشنل، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان زمین پارٹی شامل ہیں، ان کے رات دیر تک مذاکرہ جاری ہے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن اس وقت جو ہے گروپ بندی کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے اس وقت وزیر ہاؤس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے 12 جو امیدوار ہیں مختلف نشستوں پر ان کو کاغذ کے حوالے سے، جس میں 7 جنرل نشستوں پر تو ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین اور ایک اقلیتوں کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے نامزد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے 14 امیدوار ہیں، پی ایس پی کے 4، پی ٹی آئی کا ٹیکنوکریٹ پر 1، مسلم فنکشنل کا ٹیکنوکریٹ پر 1 اور مسلم نواز ابھی جنرل نشست پر 1 امیدوار نامزد ہے۔ کل جو ہے
33 उम्मीदवार जो है कल मुकाबले होंगे, लेकिन इस वक्त जो है शायद सूरत जिस तरह देखी जा रही है, इस वक्त पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों को कामयाबी के हवाले से कई जतन अपना रही है, लेकिन दीगर अपोजिशन जमातें अभी तक अपने सूरत वाजह नहीं कर सकी है। जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है सिंध असेंबली को बाजबा तौर पर पोलिंग के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। सिंध असेंबली की बिल्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन के सुपर्द कर दी गई है। आज सुबह जो है इलेक्शन कमीशन का स्टाफ यहाँ पर पहुंचा था और तमाम जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन ने संभाल रखी है। कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आजाद नोड़ी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। 24 न्यूज के साथ रहिए। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला श्रीफ, इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीब रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा ये कहता है कि मैं शेख मुजीब रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमदर्दों अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं, जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती, इंसाफ आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं, 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी जुबान कहत का शिकार हुई न होगी। की राय मुख्तरम मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार आवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हूँ। बुजुर्ग जोड़े को मशरकी शहर गौता से निकाल लिया गया है। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद फजल अकरम और उनकी अहलिया सुगरा बीबी को बुध के रोज गौता से निकाल लिया गया। शाम के बागी ग्रुप ने भी पाकिस्तानी बुजुर्ग जोड़े की शाम से रवानगी की तस्दीक कर दी है। ये अक्वामे मुत्तहिदा से शाम में बीमार और जख्मी अफराद की तिब्बी इमदाद के लिए 30 रोज की आरजी जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बाद मुमकिन हो सका है। अहम खबर से आपको आगाह करें, शाम में फंसे बुजुर्ग जोड़े को मशरकी शहर से निकाल लिया गया।
गया। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद फजल अकरम, उनकी अहलिया सुगरा बीबी को बुध के रोज गोता से निकाल लिया गया। शाम के बागी ग्रुप ने भी पाकिस्तानी बुजुर्ग जोड़े की शाम से रवानगी की तस्दीक की। पाकिस्तानी शहरी का ये भी कहना है कि उनके बाकी खानदान के 17 अफराद अभी तक उसी इलाके में मैसूर है। ये अकवाम मुत्तहिदा से शाम में बीमार और जख्मी अफराद की तिबी इमदाद के लिए 30 रोज की आर्जी जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बाद मुमकिन हो सका कि इनको मुंतकिल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर दे रहे हैं, शाम में फंसे बुजुर्ग जोड़े को मशरकी शहर गौता से निकाल लिया गया है। एलओसी पर भारतीय स्टाइल अंगेजी जारी है। भारतीय डाक रिहाई कमिश्नर की मुसलसल दूसरे रोज भी दफ्तर खारजा तलबी हुई है। इस बारे में जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलओसी पर भारतीय इश्तेहाल अंगेजी का सिलसिला जारी है और आज मुसलसल दूसरे रोज कायमकाम डीजी साउथ एशिया डेस्क में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को तलब करके पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग से एक पाकिस्तानी शहरी जफर इकबाल जो है वो शहीद हुआ था, उसके बीवी और बच्चे वो भारतीय गोलाबारी से जख्मी हुए थे, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से आज एहतजाजी मुरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जो कोशिश है सब्र की जो पॉलिसी है उसको नजरअंदाज करते हुए भारत आम शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी कर रहा है और रवां साल सिर्फ दो इब्तदाई दो महीनों में। शुक्रिया बशीर चौधरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीआईए की तंजीम पीपी के वक्त ने मुलाकात के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी पीआईए की निजकारी किसी सूरत नहीं करने देगी। निजकारी की हर कोशिश की हर प्लेटफॉर्म पर मजाहमत की जाएगी। जानबूझकर गलत पॉलिसियां अपनाई गई जिससे कौमी इदारों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर आसिम ने अपने खिलाफ नैब की कार्रवाई को कानूनी तौर पर इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया है। कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। नैब के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगा और अपना मुकदमा भी खुद ही लड़ूंगा। क्या यहाँ पाकिस्तान में वो इलाज की सहूलत नहीं है जो आप दुबई जा रहे हैं जिसके लिए? जी नहीं, पाकिस्तान में नहीं, हमें कोर्ट्स का बिल्कुल एहतराम है, हम जजेस और कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस तरह नैब कर रही है वो गलत कर रही है कि पिछली दफ़ा भी नैब ने ज़बरदस्ती मेरे पे केसेस बनाए हुए और मुझे अरेस्ट किया, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई और मुझे अरेस्ट कर लिया। क्या अभी इतनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है? क्या लोगों को नैब अथॉरिटीज अरेस्ट कर रही है? क्या चेयरमैन साहब अरेस्ट कर रहे हैं? क्या नैब के दूसरे लोग अरेस्ट कर रहे हैं? करप्शन दैट इज हाई, तो पहले तो बंद करो, जिस तरह मेरे साथ हुआ वो करो। मैं तो हाईकोर्ट में नैब के ऊपर एक पटिशन फाइल करने वाला हूँ कि वो एक्सप्लेन करें कि बाय और दे शुड अपोलोजाइज टू द पीपल। आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं कोई इंडियन नहीं हूँ, मेरे हकूक हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं एंड द कोर्ट्स हैव टू प्रोवाइड मी दोस फंडामेंटल राइट्स। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ, देखिए पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 न्यूज HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? नवाज शरीफ इसलिए आपको निकाला कि आपने इस कौम का
300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गए। शेख मुजीब रहमान जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, ये कहता है कि मैं शेख मुजीब रहमान बनना चाहता हूँ। मेरे अजीज हमदर्दों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमदर्दों, पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी जुबान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार आवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे चुप बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी असद। शहबाज, मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश डर रहा है। आज दो कौन आज फ्रॉड हूं। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। PSL 3 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स होंगे आमने सामने। मुल्तान के सुल्तान्स कराची के किंग्स को काबू करने के लिए हैं बेताब। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान कहते हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर कराची किंग के बल्लेबाजों को टफ टाइम देंगे। 24 न्यूज के नुमाइंदे शहबाज अली इस वक्त दुबई में मौजूद है मोहम्मद इरफान के साथ, उनसे जानते हैं की मोहम्मद इरफान की तैयारी कैसी है। बताइएगा हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई की ICC इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ा अहम मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान, फास्ट बॉलर हैं, इनसे जानते हैं कि किस किस्म की तैयारी है। नेट पे सारे जो खामियां थी पिछले मैच में उन पर वर्क किया कोच के साथ, वसीम भाई के साथ, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है उस चीज़ में। तो अभी मैच में जाएंगे उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो शारजा का जिस तरह छोटा ग्राउंड है उसमें बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट होती है, तो फोकस करूँगा
جو میرا مین شعبہ ہے میں اسی پہ اپنا ایڈوانٹیج حاصل کروں. جو عرفان ہم نے دیکھا ہے کہ جو کراچی کنگز کی بیٹنگ ہے اسپیشلی روی بپارا اور ان کے سراؤنڈنگ جو بیٹسمین ہے وہ بڑی اچھی فارم میں اور بڑا اسٹڈی کر کے کھیل رہے ہیں, تو کس بیٹسمین کو آپ ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کس قسم کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اسٹڈی تو سارے پلیئروں کو کیا, لیکن اوپر سے ٹاپ آرڈر کو کوشش کروں گا کہ ٹائم پہ ان کو آؤٹ کروں, بریک تھرو دوں, اور جس کی وجہ سے ان کی ٹیم پریشر میں آئے اور ان شاء اللہ ہمارے لیے میچ میں آسانی ہو. بڑا اچھا آغاز ہوا ہے ملتان سلطانز کا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فائنل کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان دیکھا جائے گا. آغاز کے حوالے سے بتائیے گا اور کیا کہنا چاہیں گے ملتان کے چاہنے والوں کو اپنے؟ جتنے بھی ہمارے فین ہیں ملتان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھل بھی دے گی. جس طرح ہماری ٹیم نے سٹارٹ لیا ہے, جس طرح 2-1 مطلب محنت کر رہے ہیں سارے پلیئر, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ملتان سلطان کی ٹیم ہی فائنل جیتے گی, اور ہمارے کوچز پوری ٹیم ایک ہو کے کھیل رہی ہے تو اس میں ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ ملتان سلطان جیتے گی. آخری سوال عرفان, ٹام موڈی وسیم بھائی کے ساتھ تو پہلے بھی کھیل چکے ہیں, ٹام موڈی آنے سے کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا ہے ٹام موڈی کے آنے کے بعد؟ ٹام موڈی کے آنے سے مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ اس کی بھی ہائٹ لمبی ہے, وہ میری چیزوں کو مینشن کرتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے کیریئر میں کیے ہیں, تو اس سے مجھے ایڈوانٹیج مل رہا ہے, اس سے مجھے اور بھی کانفیڈینس آیا. تو وسیم بھائی کے ہونے سے تو کانفیڈینس ہوتا ہے, لیکن میرا کانفیڈینس یہ مطلب یہ نیچے سے اور زیادہ اوپر چلا گیا. سنا آپ نے محمد عرفان کو, ان کا کہنا تھا کہ ٹام موڈی کے آنے سے ان کی اپنی کارکردگی میں فرق آ رہا ہے, ٹرافی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتان سلطان جی جیتے گی اور ملتان کے چاہنے والے ملتان والے اس کی خوشیاں ضرور منائیں گے. جی شکریہ حافظ شہباز, اپ ڈیٹ کر رہے تھے کرکٹ کے میدان میں کیا گہما گہمی آپ نے جانا. اور پی ایس ایل 3 کو لے کر نہ صرف کے کھلاڑی پرجوش ہیں بلکہ ملتان سلطانز کی تو تیاری بھی خوب ہے اور شائقین کرکٹ بھی بہت پرجوش ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے.